सो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है रात के टाइम में, क्योंकि मैंने जो भी व्लॉग किया है दिन के टाइम में स्टार्ट किया या फिर मॉर्निंग के टाइम में, मैंने कभी भी रात के टाइम में कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। सो ये व्लॉग अभी है रात के 8 बजे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, आई होप यू गाइस आर ऑल एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी और मैं और शोविक है, हाय, और ये अभी तो 2 AM खा रहा है और मैं ऐसे मैं मास्क पहन के चल रहा हूँ, ट्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। और मेरे हाथ में है दो अम्ब्रेला है, एक उसका ब्लैक वन और रेड वन मेरा है। अभी हम ट्यूशन में जाएंगे और मैंने जो ये 6 व्लॉग करने का सोचा है, मैंने स्टार्ट किया है 4 बार, मैंने स्टार्ट कर दिया ये व्लॉग, स्टार्ट करके एंड करना पड़ा इसके लिए, इसकी वजह से, क्योंकि इसने बोला था दो दिन बोल रहा है कि मैं निकलूँगा साइकिल राइड में, निकलेंगे जाके, फिर जब फ़ोन करता हूँ तो तब बोलता है सो गया हूँ मैं, तो इसकी वजह से सॉरी। गलती सबसे होता है, मैं भी इंसान हूँ, तू भी इंसान है, और जो तेरा वीडियो देख रहा है वो भी सब लोग इंसान ही है ना, तो गलती तो सबसे ही होता है। तो इसलिए हम पूरा प्लान चौपट हो गया है एंड आई थिंक ये श्योर बोल रहा है कल, तो आई थिंक कल हम लोग जाएंगे एक छोटे से साइकिल राइड, मैं और शोविक रहेंगे आसपास ही जाएंगे एंड देखते हैं क्या होता है। और मैंने जो ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग नहीं बनाया, अनफॉर्चुनेटली मेरे दिमाग में नहीं आया था, तो उसका जो ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग था आपने देख लिया, मतलब अनबॉक्सिंग नहीं वीडियो देख लिया। सो जैसे कि मैंने बोला था ट्राइपॉड के साथ एक अलग सा टेक लूँगा, मतलब ट्राइपॉड के साथ और एक अलग सा बॉल हेड जॉइन लूँगा, तो वो आ चुका है और उसी से मैं अभी वीडियो कर रहा हूँ और उसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने बना दिया है। तो इसके बाद का जो क्लिप होगा वो अनबॉक्सिंग का होगा, उस बॉल हेड जॉइन का। वैसे तो इतने छोटे चीज़ का अनबॉक्सिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मेरा तो छोटा मोटा चैनल है और ये बॉल हेड जॉइन भी छोटा सा है, इसलिए छोटा सा अनबॉक्सिंग बनता है। तो अभी हम जाएंगे ट्राइपॉड बोल रहा हूँ, अभी हम जाएंगे ट्यूशन में, फिर ट्यूशन के बाद हम आप लोगों से मिलेंगे। हम पहले वाले ब्लॉक में जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने ट्राइपॉड खरीद लिया है और एक बॉल जॉइंट मैंने खरीदूंगा, तो आज आ गया है, तो मैं उसका अनबॉक्सिंग वीडियो तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि छोटा सा चीज़ है, तो उसका क्या अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाऊँ। ट्राइपॉड रहा तो हाँ उसका तो वीडियो चाहिए था, जो कि मैंने नहीं बना पाया, बट उस छोटे चीज़ का, वो छोटा चीज़ मतलब कि वो बॉल हेड जॉइंट, मतलब बॉल हेड जो भी कहते हैं, वो उसका क्या काम है मेरे ट्राइपॉड में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, सो ये है वो बॉल हेड जॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था पिछले ब्लॉक में। तो ये बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर मेरा जो ट्राइपॉड का क्लिप है वो इधर लगता है और नीचे ट्राइपॉड का जो स्क्रू है वो इधर लगता है। तो ये कैसा होता है कि ये पूरा मेटल का है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो बॉल है और ये जो पूरा मेटल का है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा ये प्लास्टिक और रबर से बना हुआ है, प्लास्टिक और ऊपर एक रबर है छोटा सा। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये 90 डिग्रीज में ऐसे बेंड हो जाता है ईजिली, और बेंड होने के बाद मैं ऐसे टाइट कर दूंगा इसको, जिससे कि ये पूरी तरीके से टाइट हो जाएगा और फोन जो है वो पूरी तरीके से ठीक ठाक से बैठा रहेगा। तो कुछ इस तरीके का सेटअप हुआ है, ये है बॉल हेड जॉइन, इतना तक है बॉल हेड जॉइन, थोड़ा लाइट कम है इधर, और बाकी जो ट्राइपॉड है ये है। अगर मैं ऐसे खोल दूँ इसको और मैं साइड वाइज भी ऐसे शूट कर पाऊँगा, अगर मैं ऐसे शूट करूँगा तो मैं पहले तो ऐसे शूट करता था क्योंकि थोड़ा छोटा है ट्राइपॉड, इसलिए अब मैं ऐसे शूट कर पाऊँगा ठीक ठाक से पकड़ कर। अनबॉक्सिंग का वीडियो देख लिया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने फ्री है। अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, एक मिनट, थोड़ा दाढ़ी मुझे लगता है बढ़ गया है ना दाढ़ी, सो मैं एक मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। सो बैक, और मैंने ट्रिम भी कर लिया है बियर्ड। सो अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजे और अभी मैं निकलूँगा मैं और शोविक। आज मैंने सोचा था कि प्लान पोपट हो जाएगा, बट
सही टाइम पे बारिश भी रुक गई, इसलिए अभी हम निकल पाएंगे। मैं जाऊंगा भी उसके घर, फिर हम उधर से कहीं आसपास जाएंगे, घूमेंगे, फोटोशूट करेंगे और फिर घर आ जाएंगे। सो मैं रास्ते में मिलता हूँ आप लोगों से। रेडी? तो अभी मैं और शोविक है साइकिल पे और मैंने मोबाइल होल्डर में आज फोन लगाया है और देखते हैं क्या होता है आज। तो चलो साइकिल चलाते हैं आज। तो अभी हम एक स्टेशन के पास इधर कहीं आए हैं, तो थोड़ा इधर एक अच्छा जगह था, ग्रीन ये पेड़ इधर, तो इधर अच्छे तरीके से फोटो उठाएंगे। तो आज का जो व्लॉग है उतना नहीं हो पाया क्योंकि आज गए थे उस तरफ, फोटोशूट में टाइम चला गया था तो उतना व्लॉग नहीं हो पाया, पर शायद इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि अभी मैं और शोविक है, पीछे शोविक है, हम दोनों जा रहे हैं। मैं मेरे घर जा रहा हूँ, वो उसके घर जा रहा है, तो मेरे पीछे है अभी। तो आज अगर आप न्यूज़ चैनल खोलोगे तो एक ही चीज़ आप लोगों को सुनने को मिलेगा तालिबान के बारे में। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का न्यूज़ चल रहा है तालिबान। और आज है 19 अगस्त और आज है अफ़गानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, नहीं पता तो गूगल कर लीजिए अफ़गानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। और आज के दिन वो लोग अपने कंट्री में इंडिपेंडेंटली नहीं रह पा रहे। सो ये बात कुछ ठीक नहीं, मतलब कि आपको पता ही है ये बात ठीक नहीं है, ये बहुत गलत बात है। इंडिपेंडेंस डे के दिन, इंडिपेंडेंस डे छोड़ो, कोई दिन अगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिपेंडेंटली, लोग इंडिपेंडेंट कंट्री में नहीं घूम सकते हैं इंडिपेंडेंटली, तो ये बात तो बहुत ही गलत बात है। सो और मैं जो ये बोल रहा हूँ इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं जस्ट बोलना चाहता था, मतलब कि आप लोगों को क्या बोलूँ अब, मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है आज अफगानिस्तान में, ये बहुत बुरा हो रहा है और मैं इनजस्टिस के खिलाफ हूँ। मैं ये जो बोल रहा हूँ ये मैं कोई व्यूज़ या फिर लाइक्स या फिर कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उन अफगानिस्तान के लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि आज जो तालिबान के अंडर तालिबान के अंडर टॉर्चर हो रहा है एज अ स्लेव, तो ये बात ठीक नहीं है। और आज हम इंडिया में बैठ के या फिर आज जो भी लोग अफगानिस्तान के बाहर घर पे बैठ के ये जो ट्वीट्स और इंस्टाग्राम में पोस्ट और फेसबुक में पोस्ट कर रहे हैं, इससे कोई किसी को मतलब कि तालिबान को तो फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको जो करना था उन्होंने कर दिया है। सो सैड टू हियर दिस, बट कुछ किया नहीं जा सकता, मतलब हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे अब। अगर कुछ भी हम लोग कर सकते थे तालिबान को रोकने के लिए, तो हम आप सभी को पता है हम लोग करते, बट ये छोटा सा एक मैसेज था आप लोगों के लिए, मतलब मैसेज नहीं, ये छोटा सा एक व्लॉग में मैं देना चाहता था, तो मैंने ये दे दिया। And I feel very bad for the Afghanistan's people. I hope ये
जल्दी ख़त्म हो जाए, वो लोग फिर से इंडिपेंडेंटली रह पाए। और कुछ नहीं बताना मुझे, बस यही बताना था आप लोगों को। कि कोई मतलब हेट मत ले लेना, हेट ली ले नहीं लेना, मतलब बुरे तरीके से मत ले लेना आप लोग। और बस यही बोलना था मुझे। सो आई थिंक, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।